आई एम बिंदु मैम, टुडे इज मंडे, तारीख आपका जो है 18 तारीख है। अब हम क्लास टू के बच्चे अपने टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, सब्जेक्ट आपका है SST और लेसन 10 चैप्टर का नाम है ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। तो जो महान व्यक्ति हैं भारत के, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आपका जो चैप्टर है यही कह रहा है, तो इसमें एक छोटा सा पोएम के तौर पे दिया है, बहुत ही अच्छा है, इसे आप नोट करें, याद भी कर लें। इंडिया इज आवर मदरलैंड, वी शुड टेक प्राइड इन सेइंग मेरा भारत महान। तो भारत क्या है? हमारी मातृभूमि है, और इसे हम बड़े ही गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान। तो इसे जो है हम कुछ इंडिया थ्रू दिस पोएम के द्वारा हम लिख दिए हैं, दो चार लाइन और आगे भी कहेंगे। तो दैट्स आवर इंडिया, तो हमारे जो पोएम है उसका शीर्षक है दैट्स आवर इंडिया। तो पंजाब फॉर फ्रीडम फाइटर, तो पंजाब किसके लिए है? फाइटर के लिए। बंगाल फॉर फेमस राइटर, बंगाल किसके लिए फेमस है? राइटर के लिए। कश्मीर फॉर इट्स ब्यूटी, कश्मीर जो है सुंदरता के लिए है। राजस्थान फॉर इट्स हिस्ट्री, और राजस्थान जो है इतिहास के लिए। अब मैसूर फॉर सिल्क, हरियाणा फॉर मिल्क, गुजरात फॉर पीस, असम फॉर टीलिप्स। तो हम लोग मैसूर का जो है सिल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हरियाणा का जो मिल्क है, और गुजरात में जो शांति होती है, असम के में टी, यहाँ का चाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल फॉर एप्पल्स, और हिमाचल में जो होता है एप्पल, और मध्य प्रदेश फॉर ट्री बॉल्स, उड़ीसा फॉर टेम्पल्स, बिहार फॉर मिनरल्स, इंडिया 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 दैट्स आवर इंडिया। तो ये हमारा पोयम है। जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हर अपना अपना कुछ ना कुछ खास है। तो ये पोयम के माध्यम से आपका चार लाइन दर्शाए हैं, तो देखिए कि कितना अच्छा से हमारा भारत महान है। ऐसे कह देना ही नहीं महान है, यहाँ रियली में एक एक स्टेट में जो है कि कहाँ क्या खास है। तो एक बार और पोएम को देख लेते हैं। राजस्थान फॉर जो पंजाब फ्रॉम फ्रीडम फाइटर, बंगाल फ्रॉम फेमस राइटर, कश्मीर फॉर इट्स ब्यूटी, राजस्थान फॉर इट्स हिस्ट्री, मैसूर फॉर सिल्क, हरियाणा फॉर मिल्क, गुजरात फॉर पीस, असम फॉर टीलिप्स। उसके बाद जो है हिमाचल फॉर एप्पल्स, मध्य प्रदेश फॉर ट्रीवॉल्स, उड़ीसा फॉर टेम्पल्स, बिहार फॉर मिनरल्स, इंडिया 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 दैट्स आवर इंडिया। तो ये हमारा पोयम था। उसके बाद आज हम सिनॉप्सिस में पढ़ेंगे ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे भारत के महान व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, श्री गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, SAINT, सेंट मीन्स साधु, ब्रेव मीन्स बहादुर, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है। अब हम देखेंगे, अपना टेक्स्ट बुक खोलें, अपना टेक्स्ट बुक क्लास टू के बच्चे टेक्स्ट बुक खोलिए SST का 56 पेज नंबर, और हम आगे चलते हैं। तो ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो महान व्यक्ति हैं, इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट मैन एंड वोमेन, यहाँ जो है महान महान व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों है। इट इज ए लैंड ऑफ ग्रेट सेंट्स लाइक गुरु नानक देव एंड कबीर, ग्रेट पोएट्स लाइक कालिदास एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ जो है साधु, बहुत सारे साधु इस भूमि पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं खासकर? ज़्यादातर भारत में। तो कौन कौन से हैं देखते हैं, गुरु नानक देव, कबीर, और
यहाँ महान कवि, महान जो है कवि भी रहते हैं, जिसे हम महाकवि कह सकते हैं, कालिदास और रविन्द्रनाथ टैगोर। इट इज द लैंड ऑफ ब्रेव मैन एंड वोमेन लाइक शिवाजी एंड रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ महान महान जो है एक से एक बढ़कर मानव और आदमी और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों है महान महान। कौन कौन है? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई। और ये सब क्या है? ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो कौन कौन से हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब स्वतंत्रता सेनानी हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। अब हम कुछ जो है महान पुरुष और स्त्री के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा कार्य किए। तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप लिव्स फ्रॉम 1545 टू 1597। तो महाराणा प्रताप 1545 से 1597 तक रहे। ही वॉज ए फेमस राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान। कहाँ के थे राजा? मेवाड़, जो कि राजस्थान में है। अकबर वांटेड टू रूल हिज किंगडम बट राणा प्रताप नेवर बॉट बिफोर हिम। अकबर क्या चाहता था? उन पे शासक करना चाहता था। ही फाउट अगेंस्ट अकबर ऑल हिज लाइफ, लेकिन वह अपना लड़ते रहे उसे। ही फेस्ड मैनी डिफिकल्ट बट नेवर लास्ट कॉरेज। वो साहस के साथ कठिनाई करके अपने देश को आज़ाद कराने में लगे रहे। ही इज कंसिडर्ड ए ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया। तो वह भारत को समझते थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद अपना टेक्स्ट बुक 57 देखते जाइए क्लास टू के बच्चे। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कब से कब तक रहे? तो 1632 1680। तो ही वॉज ए ग्रेट मराठा किंग, वह मराठी के बहुत बड़े राजा थे। था वॉज ए हिंदू, क्या थे? वो हिंदू थे। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, वो सभी धर्म में जितना भी धर्म था सभी का आदर करते थे। हिज मदर जीजाबाई वॉज ए वेरी वाइज द नोबेल लेडी, उनको नोबेल भी मिला था उनकी माँ को। नाम क्या था? जीजाबाई। सी टाउट शिवाजी टू डू ब्रेव एंड लव हिज मदर लैंड। वह क्या सिखाती थी अपने शिवाजी को? वह मातृभूमि से प्रेम करे और बहादुर की तरह रहे। अब आगे चर्चा आपका है श्री गुरु गोविंद सिंह। तो श्री गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, ये सिख के 10वें गुरु थे। तो सिख के 10वें गुरु, क्या नाम है उसका? गुरु गोविंद सिंह। तो ही क्रिएटेड ऑफ खालसा पंथ इन 1699। तो 1699 तक वह खालसा में रहे, खालसा पंथ। ही फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल्स, वह भी बहादुरी के साथ मुगल से लड़ते रहे। ही वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो ए फेमस पोएट। वह बहुत बड़े योद्धा नहीं थे लेकिन एक प्रसिद्ध कवि थे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई लिव्ड फ्रॉम 1835 टू 1858। वह कब से कब तक रही? 1835 से 1858 तक। सी वॉज दी रानी ऑफ झांसी, वह कहाँ की रानी थी? झांसी की। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडॉप्शन एज द राइटिंग किंग ऑफ झांसी, उसे झांसी की रानी कहा जाता था। और सी फाउट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश, वह ब्रिटिश के शासनकाल में लड़ती रही। इवन ब्रिटिश जनरल प्रेस्ट फॉर हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी से वह भी उसकी बहादुरी पर खुश होता था। सी डाइड फाइटिंग ऑन द
बैटलफील्ड, वह मैदान में लड़ते लड़ते मर गई। अब आगे बाल गंगाधर तिलक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अपना टेक्स्ट बुक खोलिए 58 पेज नंबर। चलिए तो देखिए उसमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में दिया गया आपको। बाल गंगाधर तिलक लिव फ्रॉम 1856 टू 1920। तो वो कब से कब तक रहे? 1856 से 1920 तक। ही वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड वॉन्टेड स्वराज ऑफ इंडिया। वह भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत पे स्वराज किया। ही वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स बट दी नेवर गेव अप होप एंड कीप्ट फाइटिंग अगेंस्ट दी ब्रिटिश। वह भी ब्रिटिश से अंत तक लड़ते रहे। ही लेड दी फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक वाजे ओ ऑल्सो इन वेल नोन स्कॉलर मैथमेटिक्स एंड फिलोसफर। वो क्या थे? वो बहुत बड़ा गणितज्ञ भी थे और एक फिलोसफर भी थे। और भारत में की स्वतंत्रता के लिए वह भी संघर्ष करते रहे। अब आगे चर्चा आपका है महात्मा गांधी, जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी लिव फ्रॉम 1869 टू 1948। तो 1869 में उनका जन्म हुआ, 1948 में वो चले गए। ही वाज ए ट्रू महात्मा। वो महात्मा के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वह सत्य बोलते थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स एंड लव पीस ऑफ ट्रू। वह जो है जितना भी धर्म है सभी से प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाते थे। ही हेल्प इंडिया गेन फ्रीडम। वह भी भारत को स्वतंत्र करने में बने रहे। द पीपुल ऑफ इंडिया फॉन्डली कॉल हिम बापू। उन्हें प्यार से बच्चे लोग और सारा भारत उन्हें क्या कहता है? बापू के नाम से पुकारता था। तो ये आपका था, आपका जो टेक्स्ट बुक में कुछ दिया गया था पॉइंट, इनके बारे में तो बहुत चर्चा है लेकिन दो दो पॉइंट करके दिया गया था। तो एक बार अपना पोएम को इसको देख लेंगे, याद भी कर लेंगे, ताकि जानेंगे कि हमारे भारत में जो स्टेट्स है उसमें कौन कहाँ क्या चीज़ प्रसिद्ध है। और संक्षेप में आज हम लोगों ने पढ़ा ग्रेट पीपुल ऑफ इंडिया, भारत में कौन कौन से महान व्यक्ति हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, श्री गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक। तो इसकी चर्चा थी जिसका कि मैंने व्याख्यान किया। तो इस तरह से आप वर्ड मीनिंग जो दिया गया है उसे भी याद कर लेंगे और हार्ड वर्ड जितना भी है उसे आप लिखकर CW कॉपी में 3-3 बार नोट कर लेंगे।